जो टॉपिक है, मेरे ऑलमोस्ट सभी सब्सक्राइबर जानते हैं कि एप्लीकेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, लेकिन 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 वेट वेट वेट, पहले आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो में कुछ अलग हटके बताने वाला हूं। पहले जब एंड्रॉयड एप्लीकेशन मतलब या फिर जब एंड्रॉयड इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, 5-6 साल पहले आप कह सकते हैं, मतलब 2012-2013 में, अभी उस टाइम स्टार्ट हो रहा था, उस टाइम सबसे ज़्यादा लोग वेबसाइट पे फोकस करते थे। ज़्यादातर लोग वेबसाइट क्यों बनाते हैं लोग, और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मुझे मेरे लास्ट वीडियो में देखने को मिले, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आपको बना के अच्छे से समझाऊँ। दोस्तों, वेलकम बैक टू मेरा टेम्पलेट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में समझेंगे और जानेंगे, हालांकि जो टॉपिक है मेरे ऑलमोस्ट सभी सब्सक्राइबर जानते हैं कि एप्लीकेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, लेकिन 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 वेट वेट वेट, पहले आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो में कुछ अलग हटके बताने वाला हूँ, जो आज तक मैंने मेरे किसी वीडियोज़ में नहीं बताया, कि एप्लीकेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और वो लोग क्यों बनाते हैं, मतलब आखिर लोग एप्लीकेशन के ऊपर क्यों माइग्रेट हो रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, आज से 4 से 5 साल पहले जब एंड्रॉयड एप्लीकेशन मतलब या फिर जब एंड्रॉयड इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, 5-6 साल पहले आप कह सकते हैं, मतलब 2012-2013 में, अभी उस टाइम स्टार्ट हो रहा था, उस टाइम सबसे ज़्यादा लोग वेबसाइट पे फोकस करते थे, ज़्यादातर लोग वेबसाइट बनाते थे, ठीक है। लेकिन आज आप सभी को पता है, चाइनीज़ ऐप भी बैन हो चुके हैं, और इस टाइम एप्लीकेशन का स्कोप इतना ज़्यादा है मार्केट में, हर वो व्यक्ति जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है, वो सबसे पहले यूट्यूब चैनल बनाता था पहले, पर आज वो यूट्यूब चैनल ना बना के सबसे पहले एप्लीकेशन बनाता है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ फ़ायदे बता देता हूँ, पॉइंट वाइज पॉइंट फ़ायदे बताता हूँ कि आपको एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना के क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, और आपको क्यों बनवाना चाहिए, और आखिर लोग क्यों बनाते हैं, ठीक है। अगर तो आपको बिजनेस करना है, अगर आपका बहुत अच्छा बजट है, मतलब अराउंड आपका 3 लाख 4 लाख का बजट है, तो आप एक अच्छा प्रोफेशनल एप्लीकेशन बना के प्ले स्टोर पर डाल के उससे अच्छी खासी बूस्टिंग देके बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, पहले क्या होता था, फर्स्ट पॉइंट आप याद रखिए कि पहले बिजनेस करने के लिए हमें एक शॉप चाहिए होता था, दुकान, उसके अंदर के फिर सामान, आप क्या बिजनेस रन कर रहे हैं, किस एरिया में रन कर रहे हैं, ये सारा डिपेंड करता था। इसके बाद आपका कुछ मतलब रेवेन्यू जनरेट होता था। ये बहुत सारी चीज़ें करने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, अब आपको जो भी बेचना है या जो भी कोई बिजनेस ओपन करना है, ठीक है, सिंपली आपको अपने एक एप्लीकेशन बना लेना है, ठीक है। अभी जो ओला ने किया, ओला इतना बड़ा मार्केट मतलब इस टाइम कवर कर चुका है, हालांकि लॉकडाउन में बहुत डाउन हो गया वो, लेकिन जितना फास्ट उसने कवर किया था, कैसे किया था उसने, सिर्फ ऑनलाइन किया था। क्या उसका कहीं ओला का आपने पर्टिकुलर ऑफिस देखा किसी स्टेट या किसी एरिया वाइज कि उसका अलग अलग ऑफिस हो, ब्रांच हो, ऐसा नहीं होता है। वो डायरेक्टली ऑनलाइन ही सब कुछ, उसने ऑनलाइन पूरे मार्केट को कवर किया, ठीक है। अब अमेजोन का आपने कहीं स्टोर देखा है, उसने अपना बिजनेस ऑनलाइन ही ग्रोथ किया है, ठीक है। तो अगर अभी फर्स्ट पॉइंट बिजनेस करने के लिए पहले शॉप्स की जरूरत पड़ती थी, बहुत सारे मतलब जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें पहले ऑफलाइन चीजें बहुत सारी जरूरत पड़ती थी, लेकिन आजकल सब ऑनलाइन माइग्रेट हो गए, सिर्फ एक छोटा सा एप्लीकेशन बना के आप ये सब कुछ कर सकते हैं, और रेवेन्यू की बात की जाए तो उससे 10 गुना ज्यादा यहां पे फायदा होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे आता हूँ। सेकेंड पॉइंट ये है कि ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए सबसे पहले, पहली बात तो लोग ट्रस्ट ही नहीं करते थे कि ऑनलाइन पैसा भी आता है। आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ, तो मैं खुद नहीं जानता था कि ऑनलाइन पैसा भी मतलब रेवेन्यू जनरेट होती है, ऑनलाइन भी लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है। धीरे 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 जो ये ऑनलाइन स्टार्ट हुआ, सबसे पहले लोग सबसे ज़्यादा चैनल्स बनने लगे यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब एडसेंस के थ्रू पैसा वहाँ पे कमाया जाता है, फिर वेबसाइट के थ्रू, व्लॉग के थ्रू, जो ब्लॉगर होता था वहाँ पे भी लोग वेबसाइट बनाने लगे अपना अपना, और वहाँ पे कुछ व्लॉग्स अपने नॉलेज को शेयर करने लगे, वहाँ से लोग पैसा कमाने लगे, ठीक है। तो जो ऑनलाइन अर्निंग आप वहाँ पे कर रहे हैं, उससे 2-3 गुना ज़्यादा ही आप अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके 1,000-2,000 भी एक्टिव यूज़र हो जाते हैं, तो अच्छी अर्निंग हो जाती है, इतनी अर्निंग हो जाती है कि आपका घर का खर्चा या आप अपना खुद का पर्सनल खर्चा भी चला सकते हैं, संभाल सकते हैं, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड, ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस होते हैं, जब आप ये एप्लीकेशन बनवाते हैं, तो ये आपको एक रोज़गार देता है। आपको ही नहीं, अगर आपका एप्लीकेशन ग्रोथ होता है तो आपके साथ वाले पार्टनर को भी, या आपके ग्रुप, या आपके ग्रुप को, या कह लीजिए आपके पड़ोसी को भी एक रोज़गार मिल जाता है, क्योंकि आपका जो ग्रोथ होगा तो आप उन्हें भी कहीं ना कहीं बताएंगे, उन्हें भी अपने साथ जरूर लेंगे, ठीक है। एक तरफ से जगह, अगर आप ऑनलाइन की तरफ माइग्रेट होते हैं, तो आपको जॉब या किसी अदर चीज़ मतलब पैसे के लिए जो मेन प्रॉब्लम होता है, उन सब चीज़ों के लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। आप इसके थ्रू अपना घर या बहुत सारी चीज़ें चला सकते हैं। इवन मैं खुद चलाता हूँ, मैं मेरे घर के खर्चे या मेरा कोई भी पर्सनल चीज़ या कह लीजिए जो मेरी रेवेन्यू है, जिसमें पूरा डिपेंड रहता हूँ, वो एप्लीकेशन के थ्रू ही होता है मेरा, ठीक है। तो एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इस टाइम मार्केट कवर कर चुका है, और सबसे ज्यादा इस टाइम ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन के थ्रू होती है। आखिर इसीलिए तो चाइनीज ऐप लोगों ने, जो चाइनीज लोग थे, उन्होंने, वो तो आपको पता, कॉपी करने में सबसे आगे हैं, ठीक है। इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशन बना के हमारे सामने सर्व किया, और हम लोगों ने उन्हें डाउनलोड करके बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, और वो हमारे डाटा को बहुत ज्यादा चुरा भी चुके हैं अभी तक तो बहुत ज्यादा। खैर, अब पता नहीं वो चाइनीज ऐप दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, हालांकि कभी नहीं आने चाहिए, लेकिन हाँ, चाइनीज ऐप की जगह आप लोग इंडियन
ऐप यूज़ कीजिए। यूसी ब्राउज़र सबका फेवरेट होगा मैं जानता हूँ, लेकिन यूसी ब्राउज़र से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा क्रोम ब्राउज़र है गूगल क्रोम, जो कि बिल्कुल सिक्योर सेफ है। ठीक है, पहले शेयर इट वगैरह ज़्यादा चलता था, उससे बेटर आप गूगल की फाइल्स, जो जी फाइल्स करके एक एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड कीजिए, वो यूज़ कीजिए। हालांकि टिकटॉक अल्टरनेट अभी ऐप तो है नहीं मार्केट में, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इंडिया का कोई ऐसा एप्लीकेशन जो टिकटॉक जैसा हो वो यूज़ करने के लिए, मैं कभी किसी को रिकमेंड अभी तक तो नहीं करूँगा, क्योंकि अभी तक ऐसा आया ही नहीं है। उनकी जगह पे टिकटॉक की जगह पे अभी मैं कुछ रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी जो अदर एप्लीकेशन है, जैसे एडिटिंग के ऊपर वो जो वायो वीडियो का एडिटिंग ऐप था, उसके ऊपर आप काइन मास्टर का ऐप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन लोग इसीलिए बनवाते हैं ताकि उनका बिजनेस चल सके, अर्निंग हो सके। अभी आपको पता है पहले फेसबुक एप्लीकेशन थोड़ी था, वो तो वेबसाइट से उसने स्टार्ट किया, एप्लीकेशन तो अब उसका है। ठीक है, तो जो वेबसाइट होता है पहले चलता था, फिलहाल अभी एप्लीकेशन चल रहा है। किसी भी वे में अगर आप अर्निंग के लिए यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों लोग एप्लीकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेट हो रहे हैं। अगर आपको समझ में आ गया है और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके आपका दूसरा सवाल या नेक्स्ट सवाल मुझसे जरूर पूछिए, ताकि मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना के आप लोगों के सामने सर्व कर सकूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।